क्या हो गया सरकार को? अरे ये तो बेहोश हो गए हैं। लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना अंता जी। सवाल ही नहीं है यार। ये कुलकर्णी सरकार के वाड़े के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? चलिए देखते हैं। चलो हटो, हटो यहाँ से। हटो। कुलकर्णी सरकार। हटो, हटो, हटो। अरे चलो, काम धंधा नहीं है क्या तुम लोग को? जाते हो या मार के भगाऊं? चलो जाओ, चलो जाओ। सरकार, 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 वो क्या हो गया? अंता जी, पहले अंदर ले चलते हैं। हाँ, उठाइए अंता जी। अंता जी, आइस्ता। औरों का हित करने में इंसान ये भूल जाता है कि वो अपना भी तो हित कर रहा है। दादा, अरे पानी लाओ जल्दी। दादा, दादा आराम से ले यहाँ। आप ठीक है? और क्या, ठीक हूँ मैं। और ये विलाप क्यों हो रहा है? मरा नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ। नंता बंता औषधि में मात्रा बढ़ाओ, जाओ ठीक हो जाओ। जी सरकार। सोचो से दादा। वो बहरा भी जरूर इस मौके का फायदा उठाएगा। साथ इस नन्हे मेहमान को भी लाए हो। कैसे आप सब कुछ जान लेते हैं साई? अपने आसपास थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तुम कोशिश करो, तुम भी सीख जाओ। हम चाहते हैं आपकी कृपा हमारे बच्चे पे भी रहे। इसे आशीर्वाद दीजिए साईं। हमने इसका नाम उद्धव सोचा है। बहुत अच्छा नाम है। उद्धव, तुम नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे इंसान हैं। बड़े होकर तुम्हें इनका सर गर्व से ऊंचा करना है, इनका सम्मान करना है। माता पिता से
जो संस्कार तुम्हें मिले हैं उनका पालन करना है तुम्हें। अगर इतना ही कर जाओ तो बहुत है। हर कोई श्रवण कुमार नहीं बन सकता। लेकिन माता पिता का सम्मान करो, उनके प्रति सेवा भाव रखो। ये इतना मुश्किल तो नहीं है। आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे संसार मेरे गुरुजी को मुझसे छीन लिया? गुरुजी का आदेश है तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा साईं, कभी नहीं। तुम्हें अपने गुरु से बिछड़े अभी कुछ ही पल हुए हैं। तुम्हें इतना दुख हो रहा है, इतना तड़प रहे हो, अपनों से दूर होने पर दुख होता ही है साईं, लेकिन तुम जैसा बैरागी मेरे दुख को क्या समझेगा? लेकिन उन माता पिता के दिल से पूछो जिनका बेटा उन्हें एक मेले में छोड़कर भाग गया था 10 साल पहले। भगवान के दर्शन की चाह थी, इसलिए तुम आध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़े। मेले में साधुओं का जत्था देखा और हो लिए उनके साथ, ये सोचकर कि ऐसे तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और इधर इतने सालों तक तुम्हारे माता पिता इस अपराध बोध के साथ जीते रहे कि तुम्हारे खो जाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। वक्त से पहले बूढ़े हो गए, तुम्हें इस बात का एहसास भी है? सालों से मैं यही सोचता रहा कि मैंने अपना घर छोड़कर सही किया, भगवान की तलाश में सही मार्ग चुना है मैंने। कभी ये नहीं सोचा कि अपने माता पिता को छोड़कर उन्हें कितना दुख पहुंचाया होगा। सच तो ये है कि मैं उन्हें भूल चुका था, अतीत को पीछे छोड़ दिया था मैंने। तुम
ईश्वर की तलाश है ना तुम्हें? अपने माता पिता का परित्याग करके अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करके ईश्वर पास नहीं आता बल्कि और दूर हो जाता है। ईश्वर सेवा में है, समर्पण में है, पलायन में नहीं। तुम्हें लगता है कि जो लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मुझ पर भी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो मुझसे प्रेम करते हैं। देवीदास जी का शिष्य होने के नाते तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध है, तो एक बेटे के रूप में तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल सकते हो? आखिरी सांस तक वो तुम्हारे माता पिता हैं, आखिरी सांस तक वो तुमसे प्रेम करते रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो तुम्हें देखना चाहते हैं दामोदर, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो ना, तो जाओ, जाओ उस भगवान को अपने माता पिता की खुशियों में ढूंढो, उनकी मुस्कान में ढूंढो, उनके सुख में ढूंढो। उस दर्शन के बाद तुम्हें किसी और दर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरुजी ने मुझे मुक्ति दी ताकि मैं अपने माता पिता के पास लौट जाऊं। मैं उनको ढूंढकर उनके साथ रहूंगा साई, मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं उन्हें बेटे के गम में मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका सहारा बनूंगा, जीवन का एक एक क्षण मैं उनका ध्यान रखने में समर्पित कर दूंगा। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही कर्म है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। किसी भी तीर्थ से बड़ी है माता पिता की सेवा, किसी भी धर्म से महत्वपूर्ण है उनका सम्मान, और किसी भी तपस्या से ज्यादा पुण्य देने वाला है माता पिता की आज्ञा का पालन। अभी बना कर लाता हूँ सरकार।
भगवान का शुक्र है कि आप बहुत दूर नहीं जा पाए थे। मुझे आपकी विद्या, आपके ज्ञान पर संदेह नहीं है, और अभी आप उस स्थिति में भी नहीं है कि अपनी औषधि खुद बना पाए। अंताजी पंताजी को आपका जितना ज्ञान नहीं है, हो सकता है उनसे औषधि बनाने में कोई चूक हो जाए। मेरी बात मानिए, मनमाड़ गांव से किसी वैद्य को बुलाने दीजिए। भगवान, आप बताइए, मेरे पिताजी को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बताइए भगवान। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास मैं जा सकता हूँ, लेकिन पिताजी उनकी मदद नहीं लेंगे। इतनी रात में द्वारका भाई कैसे जाऊंगा, वो भी अकेले। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए। मत रो मेरे बच्चे, भक्ति भावना शांत हो जा, से जो शीश झुकाए, मदद की उम्मीद रखोगे, हिम्मत रखोगे तो वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। श्यामा सही, जी सही, क्या तुम मेरे दिए के लिए घी ला सकते हो? महालसापति जी के घर से। मेरे घर पे ही है, मैं ले आता हूँ। नहीं, मुझे घी महालसापति जी के घर से ही चाहिए। और हाँ, वापस आते समय उत्तर दिशा की ओर से आना। ठीक है सही। दिशा से आने में और ज्यादा समय लगेगा, पता नहीं क्यों कहा है साई ने ऐसा। और उधर तो कुलकर्णी सरकार का घर पड़ता है।
केशव, केशव क्या हुआ? तुम यहाँ बाहर खड़े होकर रो क्यों रहे हो? अध्यापक जी, केशव सब ठीक तो है ना? नहीं, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। क्या साई मेरे पिताजी को बचा सकते हैं? क्या मुझे साई के पास ले जा सकते हैं? मुझे तो पता नहीं था कि कुलकर्णी सरकार की तबीयत खराब है। बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। साई पे भरोसा है ना? चलो मेरे साथ आओ। कुलकर्णी सरकार कितने किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसा अच्छा बेटा मिला है, जो उन्हें इतना प्यार करता है। आपको लगता है कि मैं अच्छा बेटा हूँ? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा बेटा भी तुम जैसा ही, जितना प्यार तुम अपने पिता से करते हो, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। मैं जानता हूँ वो आपसे बहुत प्यार करेगा और आप भी उसे बहुत प्यार करेंगे। आप उसे बात बात पर डांटेंगे नहीं, दूर करेंगे नहीं, अपने से दूर नहीं करेंगे। दुनिया में हर पिता अपने बेटे से बेपनाह प्यार करता है। हाँ, जाहिर करने का तरीका सबका अलग अलग जरूर हो सकता है, पर तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। केशव, अभी तक तो यही था हमारे साथ, उसको हो सकता है नींद आ गई होगी, सोने चला गया होगा। सो गया? उठाओ उसे, बुला के लाओ। ऐसे कैसे सो गया? दादा की हालत देखो, वही समय के गांभीर्य को समझो। दादा अपने बेटे को देखना चाहते हैं, ऐसी हालत में तो सबने दादा के पास होना चाहिए, बेटा ही नहीं है। बुलाओ। तू अनेक भी तू,
अनेक भी तू जन्म के पर्वत लांघते आया तेरे दर में साई रे कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लक्षोरा तेरे हम सागर कर दे धन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलख उजियारे दीनों के सहारे पिताजी को बचा लीजिए पता नहीं उन्हें क्या हो गया चिंता मत करो केशव रो मत मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा आपसे कितनी घृणा करते फिर भी आप उनकी मदद कर रहे वो वही करते हैं जो वो कर सकते हैं पर मैं तो वही कर सकता हूं जो मैं करता हूं मेरा कोई शत्रु नहीं है कोई विरोधी नहीं है केशव एक बार पिताजी ठीक हो जाएंगे फिर आपसे मिलने रोज आया करूंगा आपका साथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगा मैं आपसे वादा करता हूँ नहीं केशव वादा मत करो केवल कोशिश करो क्योंकि जब हम कोई कोशिश करते हैं और किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती तो हम कुछ ना कुछ सीख जरूर जाते हैं लेकिन अगर हम वादा करें और वो पूरा ना हो तो हमें दुख होता है मुझे तुम्हारे वादे की जरूरत नहीं है केशव बस मुझे आश्वस्त करो कि तुम मुझसे हमेशा जुड़े रहोगे अब घर जाओ आपने मुझे महालसा पति जी के घर से ही घी लाने के लिए क्यों भेजा पर मैं कुलकर्णी सरकार को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा चाह के भी नहीं कर सकता मैं आप कैसे कर लेते हैं ये सब किसी ने आपको मारने की कोशिश की मिटाने की कोशिश की और आप उसकी मदद के लिए इतने तत्पर कैसे बहुत आसान है श्यामा जब तुम
दूसरे को भगवान की संतान मानने लगोगे तो ये तुम्हारे लिए भी कठिन नहीं होगा। और किसी को दंड देने वाला मैं कौन होता हूं, उसके लिए समाज के नियम है, कानून है, हर एक को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। और इस प्रक्रिया में मैं हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूं? मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ प्रेम है, सहानुभूति है, सेवा है। मुझे दुख होता है तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा करके वो अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं।